के साथ सोनी चौहान। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत, गोमती रिवर फ्रंट की बिजली कटी है। 5 करोड़ का बिजली बिल बकाया होने की वजह से ये कनेक्शन काटा गया है। जल शक्ति विभाग के शारदा खंड की जिम्मेदारी है रिवर फ्रंट की, तो बिजली का बिल बकाया होने की वजह से कनेक्शन काटा गया है। कई बार नोटिस के बाद भी ये बिल जमा नहीं किया गया और इसके बाद अब गोमती रिवर फ्रंट की बिजली काट दी गई है, यानी कि कनेक्शन काट दिया गया है। 5 करोड़ का बिजली बिल का बकाया होने की वजह से और नोटिस देने के बावजूद भी बिजली के बिल की भरपाई नहीं की गई, जिसकी वजह से कनेक्शन काटा गया। कई बार नोटिस दिया गया, इसके बावजूद भी बिल जमा नहीं किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर। पांच करोड़ का बिजली बिल बकाया, गोमती रिवर फ्रंट, और नोटिस देने के बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिजली का बिल की भरपाई करने के बाद ही बिजली सुचारू की जाएगी। कई बार नोटिस भी थमाया गया, इसके बावजूद भी बिल नहीं भरा गया। अनूप सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनूप, 5 करोड़ का बिजली का बिल बकाया है और नोटिस देने के बावजूद भी बिजली का बिल जब नहीं भरा गया तब बिजली का कनेक्शन काटा गया है, क्या जानकारी है इस संबंध में? देखिए सोनी, उत्तर प्रदेश में जिस समय बिजली को लेकर एक आफत मची हुई है, बिजली विभाग सख्ती भी दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की पहले से लापरवाही रही है उसको लेकर ये शायद इतनी बड़ी रकम हो गई है। जाहिर सी बात है, रिवर फ्रंट का मामला है, सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, जबकि सरकारी नियम है कि 10,000 रुपए से किसी विभाग या किसी का बिजली का बिल होता है तो तुरंत उसका बिजली का बिल काट दिया जाता है। तो ऐसे में इतना 5 करोड़ का बिजली बिल कैसे पहुंच गया, कहीं ना कहीं विभाग भी इस मामले में लापरवाही बरतने में बिल्कुल आगे रहा है। तो और दूसरी बात ये जो अभी तक जो सरकार बीजेपी सरकार से लगा कि क्योंकि रिवर फ्रंट अखिलेश सरकार में बना था और तब से बिजली बिल नहीं जमा हुआ, आखिर वो बिजली कब तक कैसे सप्लाई होती रही, कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और जिनकी लापरवाही रही उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई बहुत लेट हुई है, हालांकि बिल्कुल सही बात है, 5-5 करोड़ के ऐसे 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 विभाग सरकारी है जहां पर अभी भी लाखों रुपए बिजली का बिल बकाया है, तो इन पर भी कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है सुनी। बिल्कुल अनूप, साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जल शक्ति विभाग का कोई तर्क निकल कर सामने आया है, क्योंकि एक बड़ी राशि होती है 5 करोड़ की। देखिए, जल शक्ति विभाग की बात करें तो हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उनका मानना है कि इस मामले में कि जो लापरवाह अधिकारी है उन पूर्ण संज्ञान में नहीं था ये मामला। बिल जो भी जाता है वो रिवर फ्रंट के ऑफिस में पहुंचा, उनकी उन तक जानकारी नहीं पहुंची, शायद इसी वजह से इस चूंकि LDA ने इसका निर्माण करवाया था, इसकी निर्धारण जो किसको बिल जमा करना है, किस तरीके करना है, ये शायद इसमें लापरवाही बीच में खामियां रही, शायद इसी वजह से बिल को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ था इसी वजह से न जमा हुआ हो। लेकिन फिलहाल इस मामले में रास्ता साफ हो चुका है, विभाग इस मामले पर चाहे LDA या फिर जिस तरीके से निर्माण करवाया था या फिर सिंचाई विभाग जिसकी जिम्मेदारी है उसकी देख रेख की, तो अब इसको लेकर बिल किस तरीके से जमा हो पाए या फिर कब तक इसकी बिजली जुड़ पाएगी। हालांकि रिवर फ्रंट एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहां पर पूरे लखनऊ बिल्कुल, अब देखना यह होगा कि क्या इस 5 करोड़ की भरपाई होती है या बिजली विभाग की भी इसमें लापरवाही शामिल है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें, 5 करोड़ का बिजली का बिल थमाया गया है, गोमती रिवर फ्रंट की बिजली काट दी गई है। और